भाई दोस्तों इसीलिए कहती है ना, दोस्ती डुबा देती है इनके चक्कर में। देखो अब इनके चक्कर में ये तो बैठे हुए हैं ऐसे, अब मुझे भी ये है दोस्तों पूरा फॉरेनर सूट। देखो भाई दोस्तों क्या तगड़ी तरीके से यहाँ पे फोटो सूट चल रहा है इनका। तो यहाँ से ना क्या प्यार सा नज़ारा देखने को मिल रहा है। यहाँ देखो मोर दिखाई दे रहे हैं, कितने सारे मोर हैं, और एक मोर ने देखो अपना पूरे पंख खोल रखे हैं। भाई दोस्तों एक बार फिर से, जहाँ मैं और राकेश भाई रहते हैं वहाँ मोए मोए होना तो बहुत ज़्यादा। इसे बोलते हैं भाई दोस्तों रियल टैलेंट। ये देखो कितनी प्यारी सी तस्वीर अभी बनाई जा रही है, और इस खूबसूरत सी बच्ची की अभी तस्वीर बन रही है। देखो अगर एक मिल जुला तो ठीक है, नहीं तो कहीं भी वो नहीं कहे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये देखिए दोस्तों जोमेटो वाले भी यार थैली रेडी पे खाना खा रहे हैं। राकेश भाई को बोल ये वाली पसंद आ रही है, ये वाली बढ़िया लग रही है, बढ़िया लग रही है ना। मैं आपको दोस्तों एक मस्त हीरोइन दिखाता हूँ, ये देखो। वाह आपके लिए यहाँ जगह खाली है, आप भी बैठा हो यहाँ पे। देखो बहुत ही बढ़िया लग रही है। सौरभ भाई आपको कौन पसंद आ रही है? पसंद तो नहीं आ रही, पर मुझे अच्छा लग रहा है कि बाहर के देश के लोग भी हमारे देश को। तो चलो भाई दोस्तों एक नया दिन शुरू हो चुका है, और एक नए दिन के साथ करते हैं एक प्यारी सी वीडियो की शुरुआत। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारी इस प्यारी सी वीडियो में, दिल्ली के इस खूबसूरत शहर से और इस प्यारे से नगर आई नगर से। तो अभी करीबन दोस्तों सुबह के ना ठीक 12 बजे का टाइम हो चुका है, और हमारी तैयारी हो गई है दोस्तों यहाँ से सीधा कहाँ जाने की, वो तो अभी मुझे भी नहीं पता। बट आधे रास्ते में दोस्तों दोस्त वगैरह मिलेंगे, तो फिर देखते हैं वहाँ से कहाँ का प्लान बनता है। बाकी दोस्तों ना आपको थोड़ी सी कटकट की आवाज़ या बैकग्राउंड नॉइज ना ज़्यादा आ रही होगी, तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पे ना गली में पूरी जगह पे ना मकानों का काम चल रहा है, तो उसी के चक्कर में टाक टाक खट खट ऐसी आवाज़ें आती रहती है। बाकी दोस्तों अगर कमरे की तरफ बढ़े तो कमरे के हाल कुछ इस तरीके से हो रखे हैं कि सलमान खान जी की ड्यूटी जाने की तैयारी हो गई है बढ़िया से। फिलहाल अभी फ़ोन में पता नहीं क्या चीज़ देख रहे हैं, तो ध्यान जो है ना वो बिल्कुल फ़ोन के अंदर है भाई। बाकी यहाँ मिलिए, यहाँ हमारी आदिति बिल्कुल अपने स्कूल बैग के साथ लगी हुई है, जो कि स्कूल बैग है दोस्तों मेरा ही, और इस पर हाथ साफ कर दिया उसने। हाथ साफ करने से मेरा मतलब है कि अपना लिया, अपने लिए मेरा बैग अपने लिए रख लिया। बाकी यहाँ से जादू की बात की जाए तो जादू का ध्यान भी कुछ उसी तरीके से फ़ोन पे है जिस तरीके से चाचा का है, मतलब कोई होश नहीं है कि दुनिया में क्या हो रहा है। हेलो भाई दोस्तों, अभी बढ़िया से रूम से भी निकल गया हूँ, और मिलिए दोस्तों एक बार फिर सलमान खान से। सलमान खान आज अच्छी की सलमान खान लग रहा है, अच्छी की से मेरा मतलब है रियली में सलमान खान लग रहा है। क्या बात है सलमान खान जी, बड़े स्मार्ट लग रहे हो, हैं बचपन से हो क्या? जन्म से। अरे भाई साहब खतरनाक। भाई दोस्तों अभी ना वापस गया, कुछ सामान छूट गया था, तो वापस रूम पे जाना पड़ा। और बाकी ना अब ना धूप जो लग रही है ना वो बड़ी खतरनाक सी लग रही है, तो इस धूप में ना चलना थोड़ा सा मुश्किल हो गया है। भाई दोस्तों जो हमारे सलमान खान जी है ना, वो हमें ऐसे खुफिया रास्तों से लेके जा रहे हैं ना आज, जो रास्ते ना बहुत कम ही देखने को मिलते हैं। अब देखो इन छोटी छोटी गलियों से, और कीचड़ देखो इन गलियों में कितना ज़्यादा हो रखा है, बड़े बुरे हाल है दोस्तों। क्या करें ऐसे, देखो यहाँ ऐसे ना ठपगनी बना रखी है, तब जाके तो बंदा यहाँ से जा सकता है। बाकी जो पसीने से हालत ख़राब हो रही है ना, वो बड़ी भयंकर सी हो रही है भाई दोस्तों। अब गर्मी का आलम कुछ बहुत ख़तरनाक हो चुका है, तो आप समझ रहे हो ना, अब निकलना पड़ेगा अपने पहाड़ों की तरफ, अपने जन्नत की तरफ। हमारे जो सलमान खान है ना, सलमान खान की हालत ज़रा ख़राब हो गए, बाकी यहाँ से अब हमारा सफ़र अलग अलग है। तो चलो भाई दोस्तों अभी हमें ठीक केंद्रीय सचिवालय में, और एक बार फिर राकेश भाई से मिलिए। राकेश भाई फिर हमें मिल गए, वो भी केंद्रीय सचिवालय में। तो राकेश भाई कहाँ घूम रहे हो आप? सर जी पता नहीं कहाँ कहाँ घूम रहा था, ऐसे मिल गया तुरंत से। अरे भाई साहब शायद हमारी कुंडली हमें मिलाती रहती है, क्या बात है, है ना, यही लग रहा है मुझे। शायद भगवान चाहते इसकी सारी कमाई मेरे हाथ में जाए। मेरी तो कोई कमाई नहीं हो रही यार दोस्तों, यार ये कैसे बोल रहे हैं यार। अभी नहीं हो रही, बाद में हो जाएगी। कब होगी वो? धीरे धीरे हो जाएगी यार, आपकी गिच्ची दैनी हो जाए फिर तो। आपकी गिच्ची में घी सकर गिच्ची दैनी हो ना, मतलब दो गिच्ची हो ना तो एक दैनी हो ना। दैनी 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 मतलब कैसे समझाऊं तुम्हें, आप चलो गाँव, चलो गाँव में तुम्हें दादी लोग समझाएंगे। हाँ ये भी है, दिखती भी नहीं है कभी। तो चलो भाई दोस्तों अभी ना हम बढ़िया से सुप्रीम कोर्ट स्टेशन पे पहुंच गए, यानी मेट्रो स्टेशन पे। फिलहाल यहाँ पे राकेश भाई बोल रहे हैं, बोल आज हमारा मेट्रो में बोल फोटो शूट करवाओ, तो राकेश भाई आपको फोटो शूट कराते हैं। इसी को बोलते इसी को बोलते उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। तो राकेश भाई की अब फोटो ले लेते हैं, क्योंकि आप एक फोटो ले वो बोलिए वीडियो बनाने लगा, वीडियो बना रहा लेते हैं आपकी फोटो लेते हैं।
अब तो बड़े स्मार्ट हो। बाकी अभी दोस्तों हम सौरभ भाई का वेट कर रहे हैं दोनों के दोनों यहाँ पे, और उसको ना दोस्तों कम से कम ना 2 घंटे पहले फोन करके बता दिया था कि भाई आ जा, बंदा अब जाके निकल रहा है घर से। भले भी मैंने खाना नहीं खाया, बोले खाना खा के आऊंगा, तो बंदा अब आ रहा है और हम ऐसे भूखे पेट आ गए उसके चक्कर में। तो चलो देखते हैं कब तक सौरभ भाई आते हैं और उसके बाद निकलेंगे तीनों के तीनों बढ़िया से साथ में। भाई दोस्तों अभी हम एग्जिट करके नीचे तो आ गए हैं, राकेश भाई तो घर से ही खाना खा के आ रहे हैं, बट मैंने ले लिया अपने लिए क्योंकि बड़ी खतरनाक वाली भूख लग गई भाई। इसको निपटाता हूँ फिर देखेंगे आगे कहाँ जाने का प्लान बनता है। और सौरभ भाई अभी नहीं आए, तब तक खाना खाते हैं। क्यों राकेश भाई आप भी खा लो थोड़ा सा, 2-4 चम्मच। राकेश भाई तो बोल रहे हैं मैं खा ही नहीं रहा हूँ, बोल चाहे कुछ भी कर दे तो आज। ये देखिए दोस्तों जोमेटो वाले भी थैली रेडी पे खाना खा रहे हैं। ये हमको बेच रहे हैं जोमेटो से, और यहाँ खुद यहाँ खा रहे हैं सस्ती दुकान पे। तक भाई दोस्तों ये जोमेटो वाला बंदा यहाँ पे खा रहा है, बट आप लोग मत खाना, कितना गंदा बना है ना दोस्तों, मन नहीं कर रहा मेरा खाने का। अब पूरा का पूरा खाना आप फेंकने वाला हूँ भाई, क्योंकि मेरे को भूख बड़ी खतरनाक लगी है बट खाया नहीं जा रहा, तो मैं कुछ कर नहीं सकता। खाने को वैसे बलना वेस्ट कभी नहीं करना चाहिए, बट यहाँ पे मेरे को करना पड़ेगा, मैं मजबूर हूँ, मैं खा ही नहीं सकता इसको। और मिलिए भाई दोस्तों इन बंदे से, इस बंदे का वेट कम से कम 3 घंटे हो चुका है यहाँ पे। 3 घंटे नहीं हुए यार अभी। भाई 3 घंटे हो गए कसम से, घर से ना 12 बजे निकल गया था मैं और अभी 4 बज गए। 12 बजे तक मैं सो गया था यार, मुझे नींद आ रही थी ना, सुबह उठ गया था 5:30 बजे, हाँ तो मुझे नींद आ रही थी तो मैं दोबारा सो गया था। अच्छा भाई दोस्तों इस बंदे का इतना वेट किया है आज, क्या ही बताएं, बोल रहा है बोल मैं सो रहा हूँ, बोले मैं नहीं आ रहा। इसके चक्कर में दोस्तों हम आए और यही बोल रहे हैं। जब मैं उठा था ना तो मैंने इसको कॉल किया था, तो इसका फोन ना स्विच ऑफ आ रहा था, तो हमने कहा कि सोरे का होगा और कहीं का सीन नहीं होगा, तो मैंने कहा ठीक है। फिर राकेश भाई को मैंने कॉल किया, राकेश भाई को बोला शीतल को कॉल कर। अच्छा। शीतल को भी इतनी कहानी सुनाने की जरूरत नहीं है भाई, सो रही थी। फिलहाल अभी दोस्तों हम बैठ गए हैं ऑटो में और ये बंदे पता नहीं कहाँ लेके जा रहे हैं। कहाँ लेके जा रहे हो भाई लोगों? अरे यार अभी पता ही नहीं इनको भी कहाँ जा रहे हैं, मुझे ले जा रहे हैं ऑटो में पेड़ बंदे। लोकेशन तो बताई होगी तब तो ले जा रहे हैं भैया अभी। भैया ने बोला बैठो हम बैठ गए। चलो भाई दोस्तों अभी ना एक प्यारी सी लोकेशन पे पहुंच गए हैं, ठीक इस वाली जगह पे। बाकी यहाँ से जा रहे हैं हम जू की तरफ। और राकेश भाई बताएंगे आप आगे का क्या प्लान रहेगा? आगे अब घर जा रहे हैं, आगे को समझ नहीं आ रहा गाइस। और ये भाई साहब फोन पे लगे हुए हैं लोकेशन देखने पे, घर जाने की घर जाने की लोकेशन देख रहा हूँ पहले आते ही। अभी पहुंचा घर जाने की, कौन सी बस में जानी है। तो चलो चिड़ियाघर के अंदर ही चल लेते हैं राकेश भाई, क्या करें, इसके अंदर चलते हैं थोड़ा सा घूम के आएंगे। बाकी मेन मोटिव तो मिलना ही था है ना, घूम के आते हैं फिर चिड़ियाघर के अंदर। भाई दोस्तों एक बार फिर से जहाँ मैं और राकेश भाई रहते हैं वहाँ मोए मोए होना तो हमारे साथ हो गए होगा, जहाँ मैं और राकेश भाई, बट इस चक्कर में हाँ, बट आज इसके चक्कर में मोए मोए हो गया। लेट जाएंगे बोले अभी धूप लगी है, तो एक ही काम हो सकता है दोस्तों, अब ब्लॉग में नहीं दिखा सकते आपको, अब हम देखेंगे लोगों के ब्लॉग में। यहाँ ना दोस्तों टिकट बल 4 बजे तक ही रहती है, तो अभी मना टिकट हो चुकी है खत्म, एक टिकट है बस सिंगल, तो मैंने कहा सिंगल तो हम चार है। तो अब टिकट नहीं मिलेगी दोस्तों, कोई सीन नहीं है अब टिकट का। कोई नहीं दोस्तों हम दिल्ली में हैं, हम तो कहीं भी जा सकते हैं घूमने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल अपना ही माहौल है, अपना ही माहौल है। चलो अब आ जाओ मेरे साथ। और वैसे ना दोस्तों इस लोकेशन को आप देखोगे ना तो बड़ी प्यारी सी लोकेशन है बैठने के लिए, बहुत मस्त है, यानी पार्क जैसा। बाकी यहां से ना ठीक सामने देखोगे तो यहां पे देखो एक पुराना किला भी है जो कि बड़ा गजब से दिखाई दे रहा है। भाई दोस्तों इसीलिए कहती है ना दोस्ती डुबा देती है इनके चक्कर में, देखो अब इनके चक्कर में ये तो बैठे हुए हैं ऐसे, अब मुझे भी इनकी तरह ही बैठना पड़ रहा है ऐसे साइड में। आपके लिए यहाँ जगह खाली है, आप भी बैठ जाओ यहाँ पे। देखो दोस्तों कुछ इस तरीके से बैठ रखे, देखो अब ऐसा ही होता है भाई, जब तुम ऐसा करोगे तो लेट करोगे तो ऐसे ही होता है भाई। जब तुम 2 घंटे बैठे थे तो टिकट ले लेते, हमें क्या पता था, हमारे पास दिमाग नहीं है क्या? तो 2 घंटे लेट क्यों आ रहा है? 2 घंटे लेट आया तो क्या हुआ, अगर तुम टिकट ले लेते तो अभी तक हमने घूमने भी चले जाना था अंदर। 2 घंटे का कोई मायना नहीं रखना था भाई दोस्तों, इसीलिए इसी को भी बोलते हैं उल्टा चोर, कोतवाल को डांटे। बाकी दोस्तों जो अपनी लोकेशन है ना अभी हम ठीक है पुराने किले के सामने, और यही से ना इंडिया गेट भी बहुत सामने है, यानी ज्यादा नहीं, यहाँ से सिर्फ 15 मिनट की वॉकिंग है बस। फिलहाल हमारे एक और भाई हमें मिल गए हैं, विवेक भाई, क्या हाल है आपके? बढ़िया ना,
वहाँ के भी काफी ज्यादा खाना पीना हो रहा है, तो देखो पेट वगैरह आ गया बाहर। तो हमारी पूरी अरोली की टीम जुड़ चुकी है दिल्ली में, और अभी दो चार दोस्त और हैं जिनसे हमें मिलना है और जिनसे हमें जुड़ना है। बिल्कुल भाई दोस्तों, ना आज का जो हमारा सफर था ना, इतना खतरनाक हुआ कि इधर उधर से घूम के ना लास्ट में इंडिया गेट पहुंच गए, यानी अपने ही सामने। और वहां जाने का रीजन तो हमारे विवेक भाई हैं, विवेक भाई दोस्तों वहीं रहते हैं और वहीं उनकी जॉब वगैरह है, तो वहीं रहते हैं। और मैं और राकेश भाई का तो तगड़ा ही मोए मोए हो गया, हम दोस्तों ना घूम घाम के अपने ही सामने आ गए। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमारे साथ पहले से प्लान नहीं। यहाँ देखो भाई दोस्तों, यहाँ से ना क्या प्यार सा नज़ारा देखने को मिल रहा है। यहाँ देखो मोर दिखाई दे रहे हैं, कितने सारे मोर हैं, और एक मोर ने देखो अपना पूरे पंख खोल रखे हैं, तो बड़ा प्यार सा नज़ारा आ रहा है। कुछ भी बोलो, तगड़ा मोए मोए तो मेरा और राकेश भाई का हो रखा है, क्योंकि पूरा इधर उधर से घूम के लास्ट में यहाँ पहुँच रहे हैं। तो राकेश भाई क्या सीन है ये? हम 1 बजे से आए यार, हमें टिकट क्यों नहीं मिलेगी, 4 बजे के बाद टिकट नहीं मिलते, 1 बजे के आ रहे हैं। इंतजार में 4 बज गए, अब 5 बज गए गाइस। वही तो, इनके चक्कर में लेट हुआ, और हमारा कोई प्लान भी नहीं था, चक्कर में लेट हुआ और हमारा कोई भी प्लान नहीं था, इसीलिए दोस्तों घूम घाम के वापिस वहीं आ गए। तो गाइस भाई दोस्तों एक खतरनाक लुक दिखाता हूँ, आज हम सामने ना व्हाइट पहन के आ रहे हैं। यहाँ देखो सारे के सारे लोंडे व्हाइट, एक बंदे को छोड़ के बस, क्योंकि हमारे गैंग का नहीं, यहाँ थोड़ा छोटा है हमसे, तब जाके ऐसा। दोस्तों सबसे छोटा है उम्र में, बट भाई के हिसाब से बोला जाए ना तो हम सब में सबसे लंबा है। और यहाँ देखो भाई दोस्तों, यहाँ ना मोर ऐसे दिखाई दे रहे हैं जैसे कि हमारे बकरे दिखाई देते हैं ना, जैसे बकरे नहीं चरते रहते हैं, बकरे मुर्गे, वैसे यहाँ मोर चर रहे हैं, मोर दिखाई दे रहे हैं मतलब। दोस्तों अभी ना हम दिल्ली में भटकते भटकते पहुंच गए हैं, ठीक पहुंच गए हैं इंडिया गेट में। अब वही दोस्तों ठीक हमारे सामने इंडिया गेट, इंडिया गेट के बारे में ना दोस्तों मैंने अपनी पुरानी वाली वीडियो में बता रखा है, और आपको देखना हो ना तो आप डिस्क्रिप्शन से भी देख सकते हो, और वीडियो के एंड स्क्रीन में भी आपको मिल जाएगा। और जो दोस्तों इंडिया गेट है ना, वो तो दिल्ली की धड़कन है, यानी दिल्ली की जान है, तो इसीलिए देखो भीड़ भी यहाँ ना इतनी खतरनाक हो रखी होती है, मतलब बड़ी भयंकर सी हो रखी होती है। दोस्तों हम सारे लोग तो पहले भी यहाँ आ रखे हैं, बट राकेश भाई का पहली बार है, और राकेश भाई को इसलिए लाया ना दोस्तों, यहाँ पे बल लड़कियाँ बहुत ज्यादा आती है, तो राकेश भाई का बल भला करने आज, ये सौरभ भाई का प्लान था, और राकेश भाई के लिए आज लड़की ढूंढनी है। तो राकेश भाई की नजर लड़कियों पे जा रही है, आप नजर डालो हम तुम्हारे डालेंगे। मैं आपको दोस्तों एक मस्त हीरोइन दिखाता हूँ, ये देखो वाह क्या तगड़ी हीरोइन देखने को मिल रही है। देखो तो ये है दोस्तों पूरा फॉरेनर सूट, देखो भाई दोस्तों क्या तगड़ी तरीके से यहाँ पे फोटो सूट चल रहा है इनका। और फिलहाल अपना कैमरा मैन देखे भी आ रहे हैं, राकेश भाई को बल कौन सी वाली पसंद आ रही है? राकेश भाई 20 वाली पसंद आ रही है राकेश भाई। सौरभ भाई आपको कौन सी पसंद आ रही है? लाल के बगल में है जो, राकेश भाई को बल ये वाली पसंद आ रही है, ये वाली बढ़िया लग रही है, बढ़िया लग रही है ना, बहुत ही बढ़िया लग रही है। सौरभ भाई आपको कौन पसंद आ रही है? पसंद तो नहीं आ रही, पर मुझे अच्छा लग रहा है कि बाहर के देश के लोग भी हमारे देश को वो क्या कर रहे हैं, जिसको आ रही है लेकिन इसकी गर्लफ्रेंड व्लॉग देखती है ना। चलो भाई लोगों हो गया ना सबका फोटो शूट बढ़िया से? नहीं गाइस ये खाली मेरे को फोटोग्राफर बना के लाए हैं बस। बोल रहे ये बोल रहे मेरे फोटो खींचे, बोल मेरे फोटो खींचे, जैसे मेरी बारी आई तब एक भाग जा रही है एक एक करके। नहीं नहीं दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है, ये झूठ बोल रहा है। सबसे पहले सौरभ खींचा रहे, फिर जैसे खींच जा रहे वो भाग जा रहे यहाँ से, फिर राहुल फिर वो भाग जा रहे हैं, सोमी एक विवेक मात्र है जो फोटो कम खिंचा रहा है थोड़ी बहुत, पर उसके बाद मेरी बारी नहीं आ रही है गाइस। अरे बड़ा दुख है तेरा, दुख समझ सकता हूँ मैं। कोई वैसे गाइस मैं पोस्ट नहीं करता फोटो, तो अच्छी नहीं लगती पहले बहुत करता था, अब छोड़ दिया मैंने। आप बताए के पात्र हो, आप बताए के पात्र हो राकेश भाई? पात्र किले हम गाइस, कि इले हो तुम, कि किले हम, तुम हमारी फोटो खींच रहे हो ना, इले तुम बताए के पात्र हो गाइस? 30-30 रुपए दे देना फोटो की। लोगों के लिए ना दोस्तों इंडिया गेट में एक आकर्षण का केंद्र ये भी है, यहाँ पे ना दोस्तों देखो छोटे छोटे ना पूल के टाइप के भी हैं, और साथ ही में ना देखो आगे ये मस्त वाटरफॉल से भी हैं, ये ना काफी प्यारे दिखाई देते हैं, तो इसी के चक्कर में ना यहाँ बहुत सारे लोग आते हैं बढ़िया से घूमने वगैरह के लिए, और बढ़िया से अपना शाम का एंजॉय वगैरह करने के लिए। और भाई लोग आपके लिए आइसक्रीम ला रखे हैं, यहाँ गर्मी ज्यादा हो रही है ना, तो आइसक्रीम खाओ। अरे बहुत बहुत धन्यवाद भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नहीं इसकी शक्ल देख के नहीं लगता, ये लगता है कि मैं दोस्तों शकल पे क्या रहता है यार, मेरा दिल बहुत बड़ा है आपको पता है गाइस, खाली दिल ही बड़ा है बस दिखाने का, बस झूठ बोलने का। दोस्तों ये असली में ना ये मैं लेके आया हूँ गाइस, ये खाली वीडियो में अच्छा दिखता है बस, मैं बहुत घटिया।
ऐसे मत बोल यार। इसका जो सफर था ना दोस्तों, वो कुछ इस तरीके से ही बीत गया है। अभी ना ठीक शाम के 5:30 का टाइम हो गया है, अब निकलेंगे हम दोस्तों सब अपने अपने रास्तों, यानी अपने अपने घरों के लिए। तो चलो भाई दोस्तों, अब निकलते हैं यहाँ से भी सीधा अपने अपने रूमों की तरफ। यहाँ देखो भाई दोस्तों, यहाँ ना अभी स्केच बनाई जा रही है, जो कि ना दोस्तों 10 मिनट में आपकी बन के तैयार हो जाएगी। और इसे बोलते हैं भाई दोस्तों रियल टैलेंट। ये देखो कितनी प्यारी सी तस्वीर अभी बनाई जा रही है, और इस खूबसूरत सी बच्ची की अभी तस्वीर बन रही है देखो मस्त तरीके से। तो ये है भाई दोस्तों टैलेंट, जो कि गजब का टैलेंट है। बाकी यहाँ से सनसेट व्यू देखो दोस्तों, कड़ा प्यारा सा दिखाई दे रहा है, क्या नज़ारे दिखाई दे रहे हैं ना। और सामने ठीक उद्योग भवन, और उसी के ऊपर ना सूर्य देव है। और अभी देखो कितने प्यारे से दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि शाम का टाइम है ना, तो बढ़िया सा लालिमा छा रखी है। और अभी देखो भाई दोस्तों बनने ही वाली है पूरी स्केच, और देखो कितनी प्यारी सी बन रही है देखो। तो चलो विवेक भाई का साथ यहीं तक था, तो चल विवेक भाई तब मिलते हैं, तब बहुत जल्दी मिलेंगे। तो एक एक करके दोस्तों हमारे भाई लोगों से हमारी विदाइयां हो रही हैं। तो चल भाई हैं राकेश भाई, मिलते हैं बहुत जल्द, बहुत जल्द गाइस, बहुत जल्द, क्या पता कल ही मिल जाए, तो भरोसा नहीं है गाइस, कुछ पता नहीं है। चलो तब बाय बाय हैं, मिलते हैं तब, कह दियो निके, चल ठीक मैं भी निकोल। सौरभ भाई से विदा लेने का टाइम हो गया है, तो सौरभ भाई चल ठीक है, मिलते हैं तब बहुत जल्दी, बिल्कुल भाई। अब क्या पता गांव में ही मिलेंगे या पता नहीं कब मिलेंगे, ये तो नहीं बोल सकते, पर पता नहीं कब मिलेंगे। बाकी वीडियो में बने रहे ज्यादा से ज्यादा, बिल्कुल बिल्कुल, चल ठीक है सोमी भाई, मिलते हैं बहुत जल्दी, ओके ब्रो। भाई लोगों तो बाय बाय है, कह दियो नहीं खाया, हाँ मैं भी निकोला आराम से जाए गारा, बिल्कुल बिल्कुल, अगर एक मिल जुला तो ठीक छे, नहीं तो कह दियो नहीं खाया, बिल्कुल बिल्कुल आराम से जाए। हां ए तेरे कोई मुखड़ी भली लगी रे।